सिंगल विंडो क्लियरेंस अब सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की मुहिम में ब्रेकर बनता जा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहल करने वाली विदेशी कंपनियों ने भारत में बिजनेस करना मुश्किल करार दिया है। फॉक्सकॉन, सैमसंग जैसी कंपनियों ने बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया है। ये सवाल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सिंगल विंडो क्लियरेंस को बनाने का भरोसा देने के बाद उठा है। Our effort today is to try and bring all of those good practices on one platform. The DPIIT, the Commerce and Industry Ministry, is working towards creating that single window. I hope this time around it's a genuine single window. I'm putting in my personal experiences of running industry to closely monitor what they are preparing, and that's why it's taking time. गोयल के इस ऐलान के बावजूद सिंगल विंडो सिस्टम बनाना बेहद मुश्किल काम है। इसे जल्द बनाने के लिए शुरुआत में 5 से 6 राज्यों को ही पैन इंडिया सिंगल विंडो सिस्टम का हिस्सा बनाने की योजना है। इन सब के बीच अब रियल एस्टेट सेक्टर भी बरसों पुरानी सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग को उठा रहा है। बहुत ही सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम लोगों को जूझना पड़ता है, और कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने के पहले कम से कम 1 से 1.25 साल जो है हमारा वेस्ट हो जाता है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो लगी हुई होती है उसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसको प्रोजेक्ट करने में बहुत ही समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाता है तो बहुत ही जल्दी इसको हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाएंगे और लोगों को जल्द से जल्द मकान दे पाएंगे। दरअसल डेवलपर्स को किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले तकरीबन 50 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होता है। इन सभी मंजूरियों को लेने में डेवलपर्स का काफी वक्त और पैसा बर्बाद होता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू होने से प्रोजेक्ट अप्रूवल एक ही जगह से हो सकेगा। मंजूरियों में देरी से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, जो प्रॉपर्टी की कीमतों को 35% तक बढ़ा देता है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से प्रोजेक्ट पास होने में 45 से 60 दिनों का समय लगेगा। फिलहाल कुछ मंजूरियां 1-2 दिन में, तो पर्यावरण एविएशन जैसी मंजूरियां 2 साल में मिलती हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू हो जाए तो प्रोजेक्ट्स के बनने में लगने वाला समय 2 साल तक कम हो सकता है और लागत भी घट जाएगी। एक तो जल्दी से जल्दी मकान पूरे हो पाएंगे, और जितनी जल्दी क्लियरेंसेस मिलेंगी उतना ही इंटरेस्ट फैक्टर कम आएगा, और हम लोगों को सस्ता मकान और जल्दी मकान मुहैया करा पाएंगे। सो ये इंडस्ट्री के लिए, कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिट है। उम्मीद है कि विदेशी कंपनियों की सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग के बहाने रियल एस्टेट को भी ये तोहफा मिलेगा। इससे घरेलू इंडस्ट्री मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाए जा सकेंगे।